स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों मान लीजिए आप किसी सरकारी काम से कोई सरकारी दफ्तर जाते हैं और वहां पर आपकी फाइल को या तो रोक दिया जाता है या फिर जानबूझकर उसमें कुछ बाधा उत्पन्न की जाती है जिससे आपका काम ना हो पाए और उस काम करवाने के लिए जो सरकारी कर्मचारी है अपनी ड्यूटी करने के लिए आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिश्वत की मांग करता है, पैसों की डिमांड करता है। तो ऐसे में आपको समझदारी से काम करना है उससे वहाँ लड़ने झगड़ने की बजाय, क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा उससे कर बैठेंगे तो यहाँ पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए आपके ऊपर ही FIR दर्ज हो सकती है। तो यहाँ आपको समझदारी से काम करना है और उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जो प्रोसेस है, इसमें जो कानूनन प्रोसेस है उसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत में अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकारी कर्मचारी किसी से रिश्वत लेता है या कोई सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देता है तो ये किस प्रकार से अपराध होता है, इसके लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। तो जानकारी इम्पोर्टेंट है, इसे खुद तो अच्छे से सुनना ही है, साथ ही आगे से आगे शेयर भी करना है ताकि जरूरी लोगों को इसकी जानकारी हो कि वह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो साथियों जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत में किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिश्वत लेना और देना दोनों ही एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए भारत के कानून में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसके बारे में डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो साथियों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो धारा 7 है, सेक्शन 7 है, वो हमें बताता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक अपनी पब्लिक ड्यूटी के लिए किसी व्यक्ति से पैसों की डिमांड करता है या रिश्वत की मांग करता है तो ऐसा करने के अपराध में उस पब्लिक सर्वेंट को 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर ए जो एक पब्लिक सर्वेंट है वो बी से बोलता है कि मैं तेरी फाइल जल्दी निपटा दूंगा, तेरा काम जल्दी से कर दूंगा, इसके बदले में तू मुझे 5,000 रुपए दे दे, तो ऐसा करना इस अधिनियम के तहत एक अपराध माना जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको ये भी बता दे कि इसी एक्ट की जो धारा 12 है, सेक्शन 12 है, वो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को, पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत ऑफर करता है यानी उसे रिश्वत देता है तो ऐसा करना भी एक अपराध माना जाता है और इस धारा के तहत उस व्यक्ति को यानी रिश्वत देने वाले व्यक्ति को 3 से लेकर 7 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की ही सजा हो सकती है। यानी यहाँ पर रिश्वत लेना और देना दोनों ही इक्वल अपराध माने जाते हैं और उसके लिए एक जैसी ही पनिशमेंट का यहाँ प्रावधान दिया गया है। यानी साथियों यहाँ पर क्लियर है कि रिश्वत लेना और देना एक समान दंडनीय अपराध होता है जिसके लिए इक्वल पनिशमेंट निर्धारित की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अगर कोई व्यक्ति मीडिएटर यानी बिचौलिया बनकर पब्लिक सर्वेंट को पैसे लेने के लिए इन्फ्लुएंस करता है तो ऐसा करना भी एक अपराध माना जाता है और उस मीडिएटर को रिश्वत लेने और देने वाले के बराबर ही पनिशमेंट का प्रावधान यहाँ पर बनाया गया है, जो कि 3 से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। और हाँ साथियों यहाँ पर इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति पैसों को ना लेकर रिश्वत के रूप में कोई गिफ्ट लेता है, कोई प्रॉपर्टी लेता है या मूल्यवान संपत्ति लेता है तो ऐसा करना भी एक अपराध माना जाता है रिश्वत का, और उसके लिए भी जो सजा बताई गई है वो बताई गई है इस एक्ट के, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 11 में। यानी 11 जो धारा है वो बताती है कि अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट के रूप में रिश्वत लेता है जो कि प्रॉपर्टी के रूप में होता है या किसी वस्तु के रूप में होता है पैसों की बजाय, तो वो भी भ्रष्टाचार के अंदर कवर होगी। यानी साथियों रिश्वत को डायरेक्ट लेना, इनडायरेक्ट लेना या फिर पैसों के रूप में या किसी वस्तु के रूप में लेना, ये सभी भ्रष्टाचार के तहत कवर होते हैं, जिसके लिए इस एक्ट में सजा आपको बताई गई है वो आपको हमने बता दिया है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर कोई आपसे रिश्वत की डिमांड कर लेता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो साथियों अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे रिश्वत की मांग करता है तो उसे रंगे हाथ पकड़वाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो
वो व्यक्ति जिस रूप में आपसे रिश्वत की मांग कर रहा है उसका आपको सबूत बना लेना है। जैसे आपको फोन के द्वारा मांग रहा है तो आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी है, आप ऑडियो वीडियो या फोन रिकॉर्डिंग कोई भी आप प्रूफ के रूप में रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके स्टेट के जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर है उसमें आपको डायल करके उनसे मदद लेनी है, जिसके बाद जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो खुद ही आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आपसे मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रोसेस को करना है। इवन वो खुद आपको जो नोट होते हैं जो आगे आपको देने हैं, उस व्यक्ति को जो रिश्वत मांग रहा है उसको जो नोट देने हैं वो आपको देते हैं, जिनके सीरियल नंबर उनके पास नोटेड होते हैं। और इसके अलावा उन नोट में जो पैसे होते हैं उनमें उन्होंने पाउडर लगा रखा होता है, जिससे आसानी से जो रिश्वत लेने वाला है वो पकड़ा जाता है। तो साथियों यहाँ पर जो स्टेट के हेल्पलाइन नंबर है, अगर हरियाणा की बात करें तो साथियों हरियाणा का जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर है वो है 1064, आप नोट करके रख सकते हैं। दिल्ली एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 1031। अगर आपको अपने स्टेट का एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आप अपने स्टेट की जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप बाय पोस्ट या बाय मेल अपनी जो कंप्लेंट है वो संबंधित एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। उनका जो लिंक है, जो उनका एड्रेस है, वो आपको अपने स्टेट की जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मिल जाएगा। उन ऑफिशियल वेबसाइट्स को हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, आप वहां से भी उनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर आप चाहे तो आप अपने संबंधित जो थाना पड़ता है वहां पर भी इसकी कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर वहां कोई सुनवाई ना हो तो आप SP ऑफिस में भी इसकी कंप्लेंट बाय पोस्ट या डायरेक्ट जाकर दे सकते हैं। और साथ ही जब आप कंप्लेंट कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, कंप्लेंट मिलने पर जो स्टेट लेवल पर जो राज्य के कर्मचारी हैं उनकी भ्रष्टाचार की इंक्वायरी लोकायुक्त के द्वारा की जाती है, और जो सेंट्रल लेवल पर होता है उनकी इंक्वायरी करता है लोकपाल। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको समझ आई होगी, आप खुद भी इसका लाभ लेंगे और दूसरों को शेयर करके उन तक भी ये सूचना जरूर पहुंचाएंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।